एक बर्गर की वजह से ना सारा कलेश हुआ है। पिलाओ इसको। लो खाओ इसको। धीरज तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? मैं नहीं खाऊंगी इसको। मैंने बोला खाओ इसको। नहीं, किसने कह रहे? पापा एक बात बताओ, जब आप घर से चले जाते हो ना, मम्मी मेरे को बहुत पीटती है और खाने को भी नहीं देती और कहती है कि अगर तूने पापा से बता दी तो तेरे को जान से मार दूंगी। क्यों किया तुमने ऐसा? बोल तो क्या करती? हाँ आखिर है तो ये सौतेला ही, और तुम जो भी करते हो ना इसी के लिए करते हो, और मुझे डर था कि तुम कहीं सारी प्रॉपर्टी इसके नाम ना कर दो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी हर चीज पर ना मेरे बेटे का हक हो, हमारे बेटे का। तुझे पता है मैंने दूसरी शादी क्यों की थी? क्योंकि इसको माँ का प्यार मिल सके। लेकिन तूने ना साबित कर दिया सौतेली माँ आखिर सौतेली ही होती है। अरे आखिर क्या कमी रही प्यार में? जो तूने बोला मैंने वो किया, तेरी हर ख्वाहिश मैंने पूरी की। अरे बदले में मैंने तेरे से एक चीज ही तो मांगी थी ना, कि तू मेरे बेटे का ख्याल रखे और उसे कभी माँ की कमी महसूस ना होने दे। पर तूने क्या किया? तूने मेरा भरोसा तोड़ा, तूने मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश की। धीरज आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई थी कि हम एक फैमिली है, हमें तो साथ ही रहना ना। धीरज सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज सॉरी। तुझे आजादी चाहिए थी ना मेरे बेटे से, जादी हमारे रिश्ते से और मेरे बेटे से भी। और हाँ, डाइवोर्स के पेपर ना तेरे घर पहुंच जाएंगे। धीरज धीरज मेरी बात तो सुन लो। धीरज सॉरी भाई, मैंने बिना कुछ सोचे समझे आपको मारा। अगर आज आप नहीं होते ना तो मैं तो अपना बच्चा ही खो देता। पता नहीं मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा। नहीं नहीं भैया, एहसान की तो कोई बात नहीं, ये तो इंसानियत के नाते मेरा फर्ज था। थैंक यू।